लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल के लिए एक बड़ा नासूर बन गया है, जिसका घाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इजरायली फौज जितना लेबनान के भीतर घुसती जा रही है, हिजबुल्ला उतनी ही आक्रामकता से आईडीएफ के ऊपर हमले कर रहा है। और अब तो नौबत ये आ गई है कि फ्रंटलाइन पर आईडीएफ के सैनिकों और वाहनों पर कब और कहां से हिजबुल्ला के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन आ गिरे, ये खुद आईडीएफ को भी नहीं पता। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला ने इस हमले को खैबर सीरीज का नाम दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन के तहत इसराइल के ऊपर 41 हमलों को अंजाम दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने आईडीएफ के रणनीतिक हथियारों पर भी हमला किया है। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने सबसे पहले योटफैट कंपनी पर सुबह करीब 7:05 पर एक ड्रोन हमला किया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसका ये हमला एकदम सटीक रहा। वहीं आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्ला ने आईडीएफ की जिस कंपनी पर हमला किया वो दक्षिणी पूर्व के आका में है। यह कंपनी आईडीएफ के लिए हथियार बनाने का काम करती है और इस कंपनी के बाद हिजबुल्ला ने दूसरा हमला स्टेला मारिश नवल बेस पर किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने सैन्य अड्डे पर सटीक हमला करने वाले रॉकेट दागे हैं और इसके बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों की आईडीएफ के साथ सीधी भिड़ंत हो गई। और इस हमले को लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि जब दक्षिणी लेबनान बॉर्डर के पास आईडीएफ घुसपैठ कर रही थी, तब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हिजबुल्ला के मुताबिक जब ये हमला हुआ तो उससे पहले आईडीएफ का ये काफिला सैन्य वाहनों और पैदल सेना के साथ उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आईडीएफ को रोकने के लिए हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उसके ऊपर गोरिल्ला स्टाइल में हमला कर दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक आईडीएफ पर कैसे हमला करना है उसने इसकी योजना पहले से ही बना ली थी। हिजबुल्ला का दावा है कि जब आईडीएफ के इस काफिले पर हमला किया गया तो उसके लड़ाके हल्के हथियारों और आरपीजी लॉन्चर से लैस थे, जिन्होंने आईडीएफ के दो सैन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसके इस हमले में इजरायली सेना के कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। और इस हमले के बाद 28 अक्टूबर 2024 को शाम होते होते इजरायली फौज ने खियम कस्बे की तरफ दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसके ऊपर फिर से हमला किया गया। आपको बता दें कि लेबनान का खियम कस्बा फार किला और उत्तरी मेतुला के उत्तर पूर्व में स्थित है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने यहां पर आईडीएफ के ऊपर रॉकेटों के कई जत्थे फायर किए। इसके अलावा हिजबुल्ला की एंटी आर्मर यूनिट्स ने आईडीएफ के मिर्कावा टैंक को भी उड़ा दिया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने खियम के दक्षिण में अल हमामेस इलाके में मेरकावा टैंक पर हमला किया, जिसमें आईडीएफ का मेरकावा टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। हिजबुल्ला का दावा है कि इजराइल के लेबनान पर जमीनी हमला करने के बाद से उसने अभी तक आईडीएफ के 39 मेरकावा टैंकों को नष्ट कर दिया।